नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आने वाले रमजान पर्व को देखते हुए मुस्लिम भाइयों से अपील की जा रही है कि वे लोग घर में ही रहें, घर में रहकर नमाज अदा करें और लोगों की भलाई के लिए अल्लाह से दुआ करें। भोपाल में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली ने लोगों से अपील की है और साथ ही साथ ऐसे लोगों तक राशन भी पहुंचाए जाने का काम लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग इस बात का ख्याल करें कि अपने आसपास के इलाके में कोई फाका कशी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि 24 तारीख से रमज़ान के महीने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद सब लोग इबादत में मशगूल हो जाएंगे। इसलिए सारे लोग मिल बांट कर लोगों का ख्याल रखें, जिससे कि किसी को भी इस पाक महीने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। यह लोग हम लोग जो कर रहे हैं, यह हमारा फर्ज है, करना पड़ेगा हमारे, और हर इंसान को चाहिए कि सब एक की एक मदद करें। जिस वक्त ऐसा मौका आ गया है कि इसके अंदर किसी का भेदभाव नहीं रखें और सबको मिलजुल के हर आदमी को चाहिए कि मदद करें। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, आप भी करो, मैं भी करूँ, सब करें, पूरे हिंदुस्तान मिल के करें। यहाँ और मालिक का करम है, मुझसे एक वक्त कहा था एक ने कि क्या है इसमें कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो सारे हिंदुस्तान से अच्छा भोपाल हमारा। के चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि मस्जिद के इमामों को, मुअज्जिनों को, मंदिर से के पुजारियों को, गिरजाघर को और गुरुद्वारों पे भी ध्यान दें कि उन लोगों के हालात कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं, उन कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं इसे कोरोना वायरस से, और लॉकडाउन 3 तक कर रखा है, तो इसलिए इन लोगों को मदद पहुँचाएँ और तब अपने घर में रहकर इबादत करें। हमारे उलमा इकराम भी कह रहे हैं मंदिरों में ताला डलाएं, पूजा घर में कर लें। हमें इस वक्त ज़रूरत है एक दूसरे के हाथ पकड़ने की, लेकिन हम लोग एक दूसरे का पैर पकड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस जो शहर की जो गंगा जमुना तहजीब है उसको कायम रखें और बरकरार रखें।